السلام <applause> عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين. وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم मरकज तहफ़ दीन मीडिया औरंगाबाद सिर्फ़ हमारे मुल्क भारत ही का नहीं बल्कि आलम इस्लाम में जाना पहचाना एक नाम है जो बहुत ही कम वक्त में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नाजरीन तक अपने प्लेटफॉर्म से दीन हक़ का पैगाम हक़ पहुंचाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ काम कर रहा है मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ सूरतों में तफ़ुज दीन मीडिया सर्विसेस किस्म किस्म के क़ीमती और अहम नादिर मौज़ात पर मुल्क भर के मुख्तलिमा क्राम से उम्मत तक उनके फैज़ को पहुँचाने का एक ज़रिया और सबब बनता रहता है इस मरतबा दो हज़ार बीस में चौदह सौ इक्यालीस हिजरी में रबी अलावल की आमद की मुनासिबत से दोनों जहान के सरदार आकाए नामदार ताशदार मदीना हज़रत से गिदुना महमदुररसूल सला वसम की इस दुनिया में पैदाइश के एक खूबसूरत मौक़े की मुनासिबत से आपलात वसलाम की इस दुनिया में आने की जो असल हैसियत है आप नबी बनाकर भेजे गए थे और जो एज़ाज़ आपको पूरी इंसानियत में हज़रत आदमाम से लेकर कयामत तक आने वाले हर फर्द बशर में मिला है वो खातिमुन खातमनबूत होने का यानी आप नबूत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं आप खातिमुन नबीगीन हैं तो खातिमुन नबीगीन होने की जो आपकी खसूसी सिफत है उस मौजू की मुनासिबत से तहफ़ ख़त्म नबूत का ऑनलाइन बीस रोज़ा तहफ़ दीन मीडिया एक कन्वेंशन एक प्रोग्राम चला रहा है उसी प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है आज का हमारा मौजू भी तहफुज खत्म नबूत का एक हिस्सा है मेरे व मकर्रम अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और बहनों इस दुनिया में जितनी नमतें पाई जाती है उन तमाम नमतों में कोई इंसान ये समझता है कि पैसा बड़ी नमत है कोई समझता है कि माल बड़ी नेमत है सोना बड़ी नेमत है चांदी बड़ी नेमत है कोई समझता है कि मकान ज़ाती हो तो ये बड़ी नेमत है मकान बड़ा हो तो ये बड़ी नेमत है कोई समझता है बैंक बैलेंस हो सेविंग हो फ्यूचर प्लानिंग हो हर कोई कोई ज़मीन को कोई खेत को कोई किसी को कोई किसी को दुनिया चल ही रही है इन सारे के सारे तसवरत के साथ लेकिन सबसे ज़्यादा अहम और बुनियादी चीज़ इस दुनिया में अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो ईमान की नेमत है और ईमान ही की नेमत को इंसानियत को फ़राहम करने के लिए ईमान ही की नेमत से इंसानियत को सरफराज करने के लिए ईमान ही की नेमत से इंसानियत को आगाह करने के लिए ईमान ही की नेमत से इंसानियत को समझाने के लिए जोड़ने के लिए अल्लाह तबारक वाली ने दुनिया के बनाए जाने के वक्त से लेकर हजरत मोहम्मद रसूल सल्ह वसल्लम तक नबियों के सिलसिले को कायम फरमाया हर नबी आते और इंसानियत को ईमान की दावत देते ईमान लाने की दावत देते ईमान कबूल करने की दावत देते और ईमान क्या है अल्लाह की ज़ात आली को के तोहद का करार करना अल्लाह के जात आली को एक मानना अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना मानना किसी दर्जे में शरीक ना मारना और जिस ज़माने के जिस कौम के जिस नबी ने दावत दी है उस नबी की नबोवत को तस्लीम करना और आज के दौर में ये जो उम्मत मोहम्मदिया है अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को ये एजाज अता फरमाया कि जितनी उम्मत कयामत तक आएगी उन सारी की सारी उम्मत को जो जो इस रुए ज़मीन पर पैदा होंगे जो जो इस ज़मीन पर आँख खोलेंगे जिनको अल्लाह तबारक तआला अक्ल शुऊर अता करेगा जो की उम्र तक तो पहुँच गया और वो ईमान कबूल करना चाहता है इल्लल्लाह वो पढ़ भी ले जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा ईमान के मोतबर होने के लिए जैसे लाइलाह इल्लल्लाह की गवाही ज़रूरी है इसी तरह रसूलुल्लाह रसूल अलैहि वसल्लम के नबी होने की गवाही भी जरूरी है एक इजमाई मसला एक इजमाई मामला ये है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के साथ साथ आपको आखिरी नबी क़यामत के आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक के नबी कयामत से एक लम्हा पहले तक पैदा होने वाले हर फर्द बशर के नबी हर एक के नबी और आपके बाद किसी और नबी की ज़रूरत नहीं किसी दर्जे में ज़रूरत नहीं किसी शक्ल में ज़रूरत नहीं किसी सूरत में ज़रूरत नहीं इस अकीदे को मानना जिसे खत्म नबूवत का अकीदा कहते हैं अगर कोई आदमी अल्लाह की तोहीद का तो करार करे रसूलुल्लाह के नबी होने का तो तोरार करे लेकिन अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी न माने तो इजमाई मसले के मुनकर होने के सबब सबबा फरमाते हैं अल्लाह के तोहीद का इकरार और रसूल की रसालत का इकरार करने के बावजूद ख़तम नबूत के मुनकर होने की वजह से वो दायरे इस्लाम से खारिज हो तो मेरे दोस्तों एक बहुत अहम और बुनियादी मसला खत्म नबूवत का है इस हमारे नबी को आखिरी नबी मानना नबी के बाद किसी को नबी ना मानना यह बहुत अहम मसला है लोग समझते हैं कि खत्म नबूवत का मतलब यह है कि एक मखसूस मौजू है एक मखसूस वान है ऐसा नहीं है बल्कि दुनिया में बसने वाले रुए ज़मीन पर बसने वाली सारी इंसानियत के हर फर्द बशर के ईमान को बचाने की मेहनत करने का नाम खत्म नबूत की मेहनत है हर वो इंसान जो नबी के बाद अपने आप को नबौत की जगह पर खड़ा करने की नापाक दशारत करेगा हर वो इंसान जो अपने आप आपको नबी के बाद नबी की तरह नबी का जैसा नबी नबी से मिलता जुलता या नबी से कुछ करीब या नबी के बराबर या नबी से बढ़ के नउजुला या खुद नबी कुछ भी कह लेगा ऐसा हर शख्स गुमराह है और गुमराह करने वाला है और इससे लड़ाई करना इससे जंग करना इससे मुकाबला करना डिफेंस के लिए खड़े होना हाथ काम आ जाए तो हाथ को काम में लाना जबान काम आ जाए जबान को काम में लाना कलम काम आ जाए कलम को काम में लाना कदम से चलकर जाना पड़े चले जाना जिस जिस अजम को इस काम में लाया जाएगा और तहफ़ दीन की मेहनत की जाएगी तो ये सारा का सारा काम खत्म नबूवत के तहफ़ का काम इसीलिए तो दोनों चहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तजीबा के उन मुबारक लम्हा में जिन जिस हयात का एक एक लम्हा कीमती है आपने अपने चहीते सहाबा को अपने अपने साथियों को अपने महबीन को अपने मुतवसलिन को अपने तलबा को यूँ समझ लीजिए आप उस्ताद थे तो आपके जितने तलबा की जमात थी सहाबा की उन्हें आप आगाह करते रहते उन्हें बतलाते रहते उन्हें समझाते रहते उन्हें चौकन्ना ते रहते उन्हें आगाह करने का अलार्म देने का अटेंशन करने का बार बार ये काम किया करते थे ऐ मेरे सहाबा याद रखना मेरी इन बातों को महफूज रखना मेरी इन बातों को समझ लेना मेरी इन बातों को याद कर लेना बार बार फरमाया करते ख़ास तौर पर नबी के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो हालात इस उम्मत पर आने वाले हैं जो पेशें गोयाँ अल्लाह तबारक तआला ने नबी को बतला दी थी नबी ने उम्मत को बताई है और जो फितने क़यामत के करीब आने वाले हैं नबी ने एक एक फितरों का जिक्र किया बाज रिवायात में तो आता है हजरत हुसैफा रवी अल्लाह तु रावी है एक मर्तबा हमारे नबी सलाम अपने मामूल के खिलाफ बहुत लंबी आपने गुफ्तु की हालांकि आप लंबी गुफ्तु नहीं फरमाते थे लेकिन मामूल के खिलाफ में लंबी गुफ्तु की तफसी गुफ्तु की डिटेल में और तफसीली बयान फरमाया और गुफ्तु को तूल दिया क्योंकि मामला बड़ा अहम था फरमाते हैं कयामत तक आने वाले एक एक फितने का मेरे महबूब नबी ने तस्करा फरमाया और उसको समझाया कहा कि इसको याद रख लो इससे बचने का ये तरीका इससे बचने का ये रास्ता इस तरह इससे बचोगे ये ऐसा फितना ये ऐसा फितना ये ऐसा फितना हजरत रज़ी अल्लाह तु फरमाते हैं इतनी बड़ी मजलिस थी इतनी बड़ी महफिल थी नबी ने तो इतने फितनों का जिक्र किया जिसको याद हो गया उसने याद रख लिया जो भूल गया वो भूल गया फिर आगे फरमाते हैं लेकिन भूलने का मतलब ये नहीं कि हम भूल ही चुके जब जब कोई ऐसे हालात हम देखते अपनी आंखों से मुझे याद आ जाता कि अच्छा ये तो नबी ने हमें उस वक्त में बताया था ये वही फितना है ये वही हालत है जो मेरे महबूब नबी ने हमको सुनाई थी क़यामत के करीब मेरे और आपके महबूब नबी फरमाते हैं फितनों का दौर ऐसा होगा ईमान को इसी ईमान को जिस ईमान की सबसे बड़ी नेमत होने की गवाही आज दुनिया दे रही है कुरान देता है अहादी रस, से रसूल देते हैं इसी ईमान को इस दुनिया में रहते हुए मौत की आखिरी सांस तक लेकर चलना ये आज बहुत बड़ा मामला बना हुआ है मेरे महबूब ने यही फरमाया था कि एक दौर ऐसा आएगा मेरी सुन्नत पर चलना गोया अपने हथेली में अंगारा रखने के बराबर होगा यकीनन बेशक या अल्लाह आपने सौ फीसद सही फरमाया था एक, एक सुन्नत पर चलना गोया अपने आप के हाथ में अंगारा रखने के बराबर है ईमान पर चलना ईमान को बचा कर लेकर जाना ईमान वाला घर में पैदा हो जाना यह कोई बड़ी बात नहीं रही बल्कि अब तो इससे बड़ी बात यह हो गई कि ईमान वाले घर घर में पैदा होकर ईमान पर मरना ईमान के साथ आखिरी सांस लेना और ईमान ही पर खातिमा होना यह तो बहुत बड़ी बात हो गई ईमान वाले घर में पैदा होना भी बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा एजाज है गैर ईमान वाले घर में पैदा होने के मुकाबले लेकिन साहेब ईमान जीना साहेब ईमान होना साहेब ईमान मरना यह फितनों के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आकाए करीम ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि सुबह का मोमिन शाम को काफिर होगा शाम का मोमिन सुबह को काफिर होगा जिस वक्त इस ने इन अहादीस को जखीरे कुतुब हदीस से खंगाल खंगाल कर बाबुल फितन में बाबुल मलाहिम में पढ़ाया था यकीनन उस वक्त में दिल बेचैन हो जाता था और जहन मुंतशिर हो जाता था कि या क्या वो वक्त भी आएगा वो वक्त हम देख पाएंगे या हम नहीं देख सकेंगे बल्कि दिल से दुआएं निकलती थी कि काश कि हम वो वक्त ना देख सके सुबह का मोमिन शाम को काफिर और शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा लेकिन जमाने की तेज रफ्तारी और हालात का बदलना इस इतनी रफ्तार और तेजी से है कि हम उस दौर को अब देख रहे हैं अपनी आंखों से देख रहे हैं हमारे अकाबिर ने अपनी आंखों से देखा था तहफ नबूवत की मेहनत पर हमला करने वाले तहफ नबूवत के झियालों को भड़काने वाले तहफ नबूवत का काम करने वालों को उकसाने वाले हर दौर में रहे हर दौर में रहेंगे कयामत तक यह बातिल और हक की जंग चलती रहे इस दुनिया के बदतरीन इंसानों में इस दुनिया के बदकिस्मत इंसानों में इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खबीस इंसानों में वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़म नबूवत पर हमला करने की नापाक कोशिश की है लोग समझते हैं कि इस गुस्ताख ने गुस्ताखी करके सबसे बड़ा जुर्म किया है लेकिन जो लोग इस मुजरिम को हक पर मानकर इस गुस्ताख और खबीस को लाख मरतवा एक मोहतरम दर्जा दे रहे हैं इन, इन ये भी ज्यादा बेवकूफ है या फिर ये दावा करने वाला ज्यादा बेवकूफ है हमारे माशरे में इसी सदी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नामी एक बदबक गुजरा है जिसने अपने आप को नबी होने का दावा भी किया ऐसे बीसीओ दावे किए उसके दावे पढ़कर ऐसा लगता है कि यह सब कुछ हो सकता है लेकिन कोई समझदार इंसान नहीं हो सकता और नबी तो बहुत दूर की बात है हम उसका तस्वुर तो ख्वाब और ख्याल में ला ही नहीं सकते क्योंकि हमारा अकीदा है कि हमारे नबी के बाद और कोई नबी आ ही नहीं सकता और हमारा ही नबी नहीं मिर्जा कादियानी के भी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है उनके सारे मानने वालों के नबी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है लेकिन उन्होंने झूठे को सच्चा मान लिया और नाऊज बिल्ला सच्चे को समझने में गलती करती वो बदबक आया उसको मानने वाले आए कितने लोगों का ईमान लुटा पैदा हुए मुसलमान लेकिन ईमान के रास्ते से हट गए अभी इस सन में इन सालों में चंद सालों पहले एक आदमी खुद को मेहदी भी कहता है ईसा भी कहता है उसने दावा कर दिया जिसको शकील बिन हनीफ कहते हैं उसके मानने वाले कैसे कैसे गुमराहियों में पड़ते जा रहे हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए सुबह का मुसलमान शाम होते होते पता नहीं अपने अकीदे की हिफाजत कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है अभी कुछ दिन पहले ये ख़बरें शहर हैदराबाद में गर्दिश करने लगी तेलंगाना और आंध्रा के मुख्तलिफ इलाक़ों में गर्दिश करने लगी और तरह तरह की खबरें आने लगी कि एक आदमी है जो इलाज करता है लोगों ने समझा कि इलाज करता है तो डॉक्टर होगा इलाज करता है तो तबीब होगा इलाज करता है तो होम्योपैथिक होगा कुछ ना कुछ तो होगा ना पेशा लोग इलाज कराने के लिए जाना शुरू किए मर्द भी गए औरतें भी गई अपनी बीमारी लेकर गए छोटी बीमारी बड़ी बीमारी कभी हल ना होने वाली बीमारी सालों से बीमार महीनों से बीमार खानदानी बीमार पता नहीं कैसे कैसे लोग जाने लगे अल्लाह हर किसी को सेहत दे बीमारी भी ऐसी नेमत है कि बीमार जब इंसान हो जाता है और इलाज के लिए उसे जो कर गुजरना पड़े वो करने को तैयार हो जाता है कभी कभी तो लोग हराम चीजों को भी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं बगैर शरीयत की इजाजत के जबकि उसका हलाल रास्ता मौजूद है और कभी कभी लोग कुफर भी कर देते हैं शिर्क भी कर देते तरह तरह के काम कर देते इलाज के नाम पर लोग जाने लगे लोगों लोगों को शिफा मिलने लगी बीमारी सेहत में बदलने लगी किसी की तबीयत नासाज थी सालों से डिप्रेशन का शिकार था उसका जहन एक जगह नहीं रहता था जाने लगे फायदा हुआ एक को फायदा दूसरे को तीसरे को चौथे को ऐसा होते 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 यह काफिला बढ़ता गया अब लोगों में खबरें आम होने लगी कि फला शख्स है जो इस तरीके से इलाज करता है मालूम किया गया इलाज का तरीका क्या है कि क्या इलाज कैसे करता है कहा गया कि कोई दवा देता है कि नहीं होम्योपैथिक है कि नहीं यूनानी है कि बोले नहीं अंग्रेजी है आखिर है क्या डॉक्टर है, है क्या पढ़ा हुआ है एम बी बी एस है एम बी है क्या लेकिन नहीं साहब कुछ नहीं आपका आपका मर्ज कैसे ख़त्म हुआ कहा कि हमने कुरान सुना हमारा मर्ज खत्म हो गया अच्छा कुरान से इलाज किया जाता है कि हाँ साहब कुरान से इलाज किया जाता है ये तो बड़ी खुशी की बात है कि कुरान से इलाज किया जाता है इसलिए कि कुरान में तो शिफाई शिफा है कुरान में तो सरासर शिफा है कुरान तो शिफा वाली किताब है कुरान से इलाज ना होने का सवाल नहीं पैदा हो सकता बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह कुरान से इलाज किया जा रहा और कुरान मजीद से शिफा मिल रही ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के गलत तरीक़ों से इलाज करते थे लेकिन अब इलाज कुरान से हो रहा कुरान मजीद सुनने से हो रहा कुरान मजीद पढ़ने से हो रहा कुरान मजीद की बातें सुनने से हो रहा अल्लाह बड़ा है शिफा देने वाला है ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि कुरान से लोग करीब होने लग गए लेकिन धीरे 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 वक्त गुज़रता गया तो हकीकत के ऊपर जो पर्दा लगा था वो हटता गया अब ये बात सामने आई कि हाँ साहब वो इलाज तो करते हैं कुरान मजीद पढ़ने को कहते हैं लेकिन उनके इलाज का तरीक़ा और ढंग और स्टाइल थोड़ा हटके है हर कोई अपना अपना नया टिपिकल स्टाइल बनाता है तो किसी ने स्टाइल बनाया था कि मैंने दावा कर दिया चैलेंजेस किए मैं नबी हूँ मैं फला हूँ मैं फला हूँ वो उनका तरीक़ा था एक और ने तरीक़ा बनाया कि गूगल में सर्च करो इंटरनेट की दुनिया से सर्च करो दत्जाली अलामतों को तलाश करो फिर हजरत ईसा की आमद के सारे के सारे हालात हमवार करने की फ़िक्र जहनों में डालो इस तरीके से दज्जाल आ चुका है फिर हजरत ईसा भी आ चुके हैं महदी भी आ चुके हैं ये सारे के सारे खिचड़ियाँ पकाई गई थी लेकिन अब ये जो साहब आए हैं ये थोड़ा टिपिकल है इन्होंने ये सब नहीं किया इन्होंने कहा कि साहब ये सब कुछ नहीं है हम इलाज करेंगे पैसा क्या लेंगे पैसा कुछ नहीं लेंगे फिर क्या करेंगे हम बस इलाज करेंगे आपको हम जो बताएंगे आप वो सुन लीजिएगा पढ़ने का नहीं है हम अब तक सुन देते ना कि ये वजीफ़ा पढ़ लो ये दुआ पढ़ लो ये तो इलाज तो कुरने मजीद से करना अहादि में मौजूद है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है कि कुल के, के सुरे पढ़ लिया करते थे और हम हमारे अकाबिर से भी साबित है और ख़ुद ये शरीय हुकुम भी और इजाज़त है कि किरण मजीद अगर पढ़ कर भी फूक दिया जाए तो शिफा मिल जाती है सहाबा के अमल से भी साबित है और कुरान मजीद में शिफा है इसके इससे तो किसी को इनकार नहीं लेकिन थोड़ा मामला हटके है जैसे अमलियात होते हैं कि वजीफा दिया गया कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो अकाबिर के मुजर्रब अमलियात मौजूद है किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह उससे फायदा भी होता है कुरानी आयत होती है मसनून दुआएं होती है और बहुत कुछ अच्छी बातें होती है दुआएं वगैरह ही होती है शिर्क और गलत बातों से पाक जो भी वजीफा होगा है वो पढ़ना चाहिए लेकिन यहां पढ़ने का शॉट नहीं है यहाँ एक नई चीज़ सुनने को मिली कि साहेब वो मेमोरी दी जाती है उस मेमोरी के जरिए से कहा जाता है कि ये मेमोरी सुनो बी के इलाक़े के रहने वाले बताए जाते हैं वो जो तबीब बने हुए हैं ने? फर्जी तबीब फेक तबीब डॉक्टर नहीं है लेकिन बने हुए हैं बने बैठे हैं उनको लोग फैयाज कहते हैं फैयाज बिन यासीन उनका नाम है बाद कहते हैं कि बावन साल उम्र है बाद कहते हैं पचपन साल उम्र है और ख़ास बात यह है कि साहब आज तक बहुत कम लोगों को नजर आए दौर डिज, डिजिटल दौर चल रहा है लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपाने का मिजाज है किसी को नजर नहीं आते इससे पहले वाले जो साहब गुजरे हैं वो पहले नज़र आए थे अब नज़र नहीं आ रहे शकील बिन हनीफ शुरू शुरू में नजर आए थे ओल्ड फोटो उनकी मौजूद है लेकिन अब अपडेट क्या है कैसे है कैसे दिखते हैं अब कितनी नहुसत चेहरे पे है वो नजर नहीं आ रहा अब ये फैयाज बिन यासीन के चेहरे पे है क्या देखेंगे बोल के सोचे तो वो तो कुछ भी अब तक दिखाए नहीं बाद लोग कहते हैं कि फैयाज भैया अब कुछ लोग कहते हैं कि अंडरग्राउंड बाबा यानी अंडरग्राउंड ग्राउंड छुपे हुए अब कुछ लोग मेमोरी बाबा भी कहने लगे कि मेमोरियां दी जाती है हम सुनते थे कि दवा तबीयत नासाज हो गई तो इंजेक्शन दो दवा दो गोली दो टैबलेट दो सिरप दो ग्लूकोज चढ़ाओ ऑपरेशन करो ये होता था लेकिन यहाँ पर अलग मसला है बुखार आए खांसी आए सर्दी हो शुगर हो बीपी हो थायराइड हो कैंसर हो कुछ भी हो दवा खाने को नहीं जाना हॉस्पिटल को नहीं जाना गोली नहीं खाना दवा नहीं खाना डॉक्टर को नहीं दिखाना कुछ नहीं करना हद तो उस वक़्त हो जाती है कि अगर कोई ख़ातून हामिला हो प्रेग्नेंट हो तो कहेंगे कि दवा दवाखाने को नहीं जाना डिलीवरी घर में होना ये तरीक़ार काम का है कुछ कुछ शक पैदा होने लगा कि साहब ये क्या तरीके कार है कि दवाखानों से दूर किया जा रहा डॉक्टरी से दूर किया जा रहा इलाज कराने से रोका जा रहा ये खैर ये चीजें भी काबिल गौर है लेकिन कोई मजहबी मामला नजर नहीं आया अब मेमोरीज़ का सिलसिला शुरू हुआ है मेमोरीज दी जाने लगी मेमोरीज तकसीम हो रही है लोग जाते हैं उनके एजेंट हैं उनके एजेंटों के पास जाकर बात करते हैं कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बात कराई जाती है फिर वो बात रिकॉर्ड होती है फिर उसका जवाब रिकॉर्डिंग में मिलता है फिर वो रिकॉर्डिंगे दी जाती है अब वो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कही जाती है बड़ी मुश्किल से चंद नौजवान और दीन के जयाले खत्म नबूवत की हिफाजत करने के लिए खुद को सिपाही और ख़ुद को पहरेदार समझने की कोशिश करते हुए अपनी जान जोखम में डालने वाले नौजवान और कुछ नौजवान नबी के सच्चे और पक्के और नबी के लिए जान छावर करने वाले उम्मतियों में अपना नाम लिखाने की तलब रखने वालों ने कोशिश करके कुछ मेमोरीज के आइडियोज को मंगवाया जब वो मिल गई तो उसको सुनना शुरू किया कि साहब ऐसा क्या वजीफ़ा दिया जा रहा ऐसा कौन सा कोडवर्ड दिया जा रहा ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिसकी वजह से लोग सुन रहे हैं शिफा मिल रही है हम भी तो सुने कि मालूम तो करें मसला तो अब मशकूक है ना तो दुल्हन ने अब तक घूंघट उठाया ना चेहरा दिखाया ना मुँह दिखाई किए रस्म अदा की ना तो किसी की यहाँ फ़ोटो है ना तो किसी को कुछ पता है ना तो किसी को कुछ खबर है ना तो साहब का मोबाइल नंबर मिला न किसी से अब तक बात की ना आईडियो में की ना वीडियो में कि कुछ नहीं किया मामला मशकूक था लिहाजा आडियो सुनने के लिए शुरुआत की गई सुना गया तो अब जैसे जैसे आडियो सुनते गए तो समझ में आने लगा कि साहब ये तो मामला सिर्फ इलाज का नहीं है मामला अगर सिर्फ इलाज का होता तो वाक्यता इस पर कुछ तबसरा करने से पहले सोचा जाता मामला अगर सिर्फ इलाज का होता तो वाक्यता यह सोचा जाता कि नहीं साहब इलाज ही का तो मामला है इनका तरीका हटके है अगरचे ये लोग ये शख्स ये आदमी इनका ग्रुप इनका सर्कल लोगों को उर्फ से नेचर से हटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मामला कुछ और नजर आया जबकि इनका नेचर को रोकना यह भी गलत है क्योंकि बीमार होने पर इलाज कराना ये तो कुरान से साबित है वही मरीज तो वह यशफिन में लिखा है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देने वाला अल्लाह है और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को जब बीमारी आई तो रबी अन्य मस्तनी अरहमुर रामीन अल्लाह से दुआ की गए मेरे मौला मैं जब भी मुझे बीमारी ने छू लिया है आप मेरे ऊपर रहम कर दीजिए रहम करने वाले तो हजरत अयूब को अल्लाह पाक ने तरीका बतलाया कि ये जो ठंडा पानी है इस पानी के जरिए से आप दो किस्म का पानी एक पीने के लिए एक नहाने के लिए तफ मुख्तलिफ अकवाल मौजूद है तो जो पानी दिया गया उस पानी के जरिए से हजरत अयूबलाम को शिफा मिल गई मालूम हुआ बीमार इंसान होता है अल्लाह शिफा देते हैं और शिफा के शिफा के रास्ता अल्लाह ने इसबाब को बनाया है पानी के ज़रिए से अल्लाह ने शिफा दे दी अल्लाह के नबी आलम की भी तबीयत नासाज होती अल्लाफा दे देते मुख्तलि के नबी आसलाम ने के लिए हादीस में खुद इस बात की तलकिन फ़रमाई है कहीं अल्लाह के नबी आसलाद्लाम ने फरमाया कि तलबीना से इलाज करो यह बीमार के दिल को मजबूत करता है और गमों को दूर करता है कहीं आपने फरमाया कलोंजी के बारे में कि मौत के सिवा हर बीमारी से इसके अंदर शिफा है और कहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अजवा खजूर खाने का हुक्म दिया और कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ अदीस का ज़खीरा मौजूद है आज तक इलाज के सिलसिले में इस्लामी तालीमत पर आपको मवाद देखने की कोशिश करेंगे बहुत कम मिलेगा क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है ये तो नेचर है कि इंसान बीमार होता है तो इलाज कराया जाता है ये तो दुनिया का हर इंसान मानता है हर मज़हब मानता है यहाँ तक के कानून भी मानता है कि इलाज करवाना ये तो इंसान का हक है और दस्तूर हिंद के सिलसिले दस्तूर हिंद की भी एक ये दफा है जिसके तहत सेहतमंद जिंदगी गुजारना मुल्क के हर शहरी का हक है दस्तूर हिंद की दफा ट्वेंटी वन में यह बात मौजूद है इसके तहत में सेहतमंद जिंदगी गुजारना हर शहरी का हक है तो इस वजह से इसके ऊपर कोई मवाद नहीं कोई लिटरेचर नहीं कोई इस तरह की बात ज्यादा नहीं है तालीम तो इस्लाम की इस सिलसिले में काफी मौजूद है अल्लाह के नबी ने फरमाया यहां तक मौजूद है कि अगर कोई शख्स ऐसा हो बीमार हो परेशान हो मजबूर हो बेबस हो लाचार हो और डॉक्टरों ने उस शख्स को यह कहा हो कि तुम्हारी इस बीमारी का इलाज सिवाय इस हराम चीज के और किसी में नहीं है और किसी में नहीं है तो फिर उस वक्त में भी फता आलमगिरी में भी यह बात मौजूद है कि हराम दवाओं से यानी पेशाब से खून से और मुर्दार के गोश यानी इन चीजों से भी इलाज करवाने की जरूरत पड़े तो इलाज करवाने की इजाज़त है क्यों क्योंकि इंसान को ये मज़हब मजहब इस्लाम नेचर के मुताबिक डील करता है नेचर के खिलाफ नहीं जिस तरह हमारे अंडरग्राउंड बाबा कहते हैं कि इलाज नहीं कराना दवा नहीं खाना फला नहीं करना फला नहीं करना ये सारी की सारी बातें सुनी उलमा ने लेकिन इनसे ज़्यादा अहम बात मैं वो बतलाना चाह रहा हूं ये तो कुरान में भी हुकम है हदीस से भी साबित है सहाबा के अमल से भी साबित है और तमाम दुनिया के मजाहब में भी इलाज करवाने के सिलसिले में कोई नेचर के ख़िलाफ़ बात नहीं बयान करता यहाँ तक कि हराम ख़जाओं से इलाज करने की भी शरीयत में इजाज़त है बसूरत मजबूरी मुसलमान आदिल डॉक्टर के मशोरे के बाद में और इससे आगे बढ़े तो हुकूमत हिंद की दफ़ा ट्वेंटी वन के तहत भी सिहतमंद ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का बुनियादी हक़ है हमारे लिए यह मौजू क्यों चुना गया आज की तहफीन मीडिया सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म से इस मौजू को आपको सुनाने के लिए क्यों चुना गया क्यों रखा गया तहफ नबूत से इस मौजू का क्या ताल्लुक है वो फैयाज बिन यासीन, वो फैयाज भैया फैयाज अंडरग्राउंड बाबा फैयाज मेमोरी बाबा जो भी नाम उससे कहे जाते हैं उस शख्स से तहफ नबूवत की मेहनत का क्या ताल्लुक है यह तहफम नबूवत का बीस रोजा ऑनलाइन कन्वेंशन है इस कन्वेंशन में इस बदव के तस्करे की क्या जरूरत है दो मिनट इस पर समझ लीजिए फिर आगे बात करेंगे जरूरत इसलिए है कि यह मसला इलाज से ज्यादा ईमान का हो चुका है जिस्मानी नुकसान से ज्यादा ईमानी नुकसान का हो चुका है फैयाज बिन यासिन नामी जो शख्स है इस शख्स की जो मेमोरीज जो आइडियोस सबों की तादाद में और उन आइडियोस की जो फाइल्स होती है ना कंप्यूटर में हम उसे अपलोड करते हैं उसे देखने पर ऐसा भी लग रहा है कि ये फाइल्स कोई नई अपडेट न्यू नहीं है क्योंकि अब जिस फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग्स मोबाइल में हो रही है एंड्रॉय मोबाइल्स जिस तरह की ऑडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करके आपको सेव करने की सहूलत देते हैं उस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं इस रिकॉर्डिंग को देखकर तो ये पता लगता है कि ये सालों पुरानी रिकॉर्डिंग है हैं और सालों पुराने उनके और आवाम के दरमियान की जो गुफ्तगुएं हैं वो है और सालों पुराने इलाज के उनकी टेक्निक्स है तो इसका अंदाजा इस सारे के सारे खुलासे से ये निकल रहा है कि साल साल से पता नहीं कितने मुसलमानों के ईमान को लूटने की मेहनत इनकी मुकम्मल हो चुकी और ये जमीनी एतबार से पता नहीं कितने घरों के अंदर दाखिल हो चुके और कितने जहनों में फैयाजी खन्नास और फैयाजी वायरस भर चुका यह मामला है क्यों तहफ में नबूवत के मौजूद पर इस, इस उनवान को शामिल किया गया कि ये जो फयादिन यासीन हैं इसके जो दावे हैं इसके मेमोरी की रिकॉर्डिंग्स के अंदर जो बातें हैं अगर उन मेमोरीज को आप सुनेंगे अल्लाह करे आप ना सुने जो भी जिनमां ने सुना है उन्होंने इसको महफूज करके इस बात को नोट किया नकल किया इसके अकाद को इसके नजरियात को इसकी सोच को इसकी थिंकिंग को ऐसे हाईलाइट किया कि जहन इंसान का एक लम्हे के लिए चौंकना हो जाता है हैरान हो जाता है कि अल्लाह अकबर ये क्या हो रहा है ये इलाज के नाम पर ये सेहत के नाम पर ऐसा जहनी तौर पर मेंटली तौर पर ऐसा डिस्टर्ब किया जा रहा और मेंटली तौर पर ऐसे तैयार किया जा रहा इन मेमोरीज के जरिए से इन रिकॉर्डिंग्स के जरिए से लोगों का माइंड सेटअप किया जा रहा कि तुम्हारे लिए जो कुछ भी है वो सारा का सारा मैं बतला रहा हूँ वही सब कुछ है मैं बताऊँगा तुम मानोगे बहुत फ़ायदे में रहोगे मेरी बात का इनकार करोगे बहुत नुकसान में रहोगे एक खातून चूँकि बातचीत होती है तो मुमकिन है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह पे इनकार भी कर देते हैं एक खातून ने फयाज बिन छुटलाया तो कहने लगा ईमान का रास्ता बताने वाले को तुमने दिया मौजूद को यहां शामिल किया गया धीरे धीरे इस आदमी के बातों से ऐसे दावों का जहूर हो रहा इस आदमी की गुफ्तु से ऐसे दावों का इजहार हो रहा इस आदमी की गुफ्तु से ऐसे ऐसे ऐलानात का इजहार हो रहा इस आदमी की गुफ्तु से ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही कि इंसान हैरान हो रहा है कहाँ वो गुलाम अहमद कादियानी जो सालों में एक मरतबा एक दावा करता था जहाँ कहाँ वो शकील बिन हनी जो सोच सोच कर कदम उठा रहा था अब ये तो फैयाद बिन यासीन ना सोचता है ना वक्त देता है बस धड़लने से कभी अपने आप को पैगंबर कहता है और कभी अपने आप के बारे में कहता है ईमान असल में मेरी पैरवी करना और अल्लाह की पैरवी करना है कभी कहता है मेरी इताद न करने वाले पर गुमराही का माहौल लग चुका है तो कभी कहता है कि नमाज और हज वगैरह मेरी इताद के बग़ैर वो बेकार है सारी की सारी इबादतें कभी कहता है कि मुझे नहीं मानना ईमान की झूठी गवाही देना है कभी कहता है अल्लाह की तरफ से आगे पेश आने वाले हालात की मुझे खबर दी जाती है तो कभी कहता है जो मेरी इताद नहीं करेगा मैं उसको आखिरत में नहीं बचा सकता ये तो मैंने आपके सामने चंद झलकियाँ सुनाई है अम्बिया के बारे में वो बदबक कहता है अम्बिया की दुआएँ कबूल नहीं हुई हजरत अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के हक़ में दुआ करके नादानी की नाउज कभी कहता है दुआ करना दरअसल एक ज़िद है यानी अल्लाह ताला पर जबरदस्ती करना है कि ये काम करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआएं करते करते उल्टा लटक गए थे नाऊजुबिल्ला असफरुल्ला नर इस तरह के बेकार किस्म के घटिया किस्म के उसकी बातें और अंबिया की शान में गुस्ताखी और तरह तरह की बकवासात इन एडियोस में मौजूद है जो मैं आ, मैंने आपको सुनाया है एडियोस में मौजूद है अभी कुछ दिन पहले फैयाज बिन यासीन के सिलसिले में मैंने जामिया निजामिया के फतवे पर एक आईडी एक वीडियो छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करवाई थी तो एक साहब ने कमेंट किया कि वो कहां है साहब हमको भी सुना दे हम भी सुनना चाहते हैं कोई पूछता है कि उनकी सूरत दिखा दो कोई पूछता है कि उसका चेहरा बता दो कोई कहता है कि उसकी फोटो वायरल कर दो कोई कहता है कि फलां कर दो फलां कर दो कोई कहता है कि एड्रेस दे दो अरे अल्लाह जाने क्या क्या कमेंट लोग करते हैं मेरे भाई ये कोई आसान मामला नहीं है आप हमारी मदद कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा आप फोटो तलाश करके लाकर दे दीजिए कि मौलाना आपने जिस बदब का जिक्र किया था ये लीजिए उसकी फोटो आपने जिस बदब्त का नाम सुनाया था ये लीजिए उसका सारा का सारा कच्चा छिट्टा मैं आपके सामने बता रहा हूं ये काम कर दीजिए तो मेहरबानी होगी फैयाज बिन यासीन नामी शख्स इस वक्त में शहर हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों के साथ साथ तेलंगाना व आंध्रा के इलाकों में अल्लाह जानता कहां कहां और फैल गया है मुसलमानों के ईमान का लुटेरा बना हुआ है मुसलमानों के ईमान की लूट मार कर रहा है खासतौर पर मुसलमान बहने इस फितने से मुतासिर होती जा रही घरानों के घराने इस फितने से मुतासर हो रहे हैं यह फितना कैसे बन रहा है ये लोगों को मेमोरीज के अंदर ये सारी बातें बतला रहा है देखो मैं जो बता रहा हूं मैं जो इलाज बोल रहा हूं मैं जैसा करने को बोल रहा हूं वैसा आपको करना पड़ेगा वो बातों बातों में ये बात भी आ जाती है इलाज के सिलसिले में मुझे खबरदार करना मुझे बतलाना मुझे खबर देना बहुत ज़रूरी है नमाज रोजा उतना जरूरी नहीं है हज नमाज और हज उतना ज़रूरी नहीं है इस तरह की बातें और भी बहुत सारे दावे उस शख़्स के हैं इस तरह मैं आपके सामने गुस्सुनाऊंगा मेरी और अल्लाह की इतात में खैर है जो मेरी इतात नहीं करेगा उसको आखिरत में नहीं बचा सकता कौन है आखिरत में बचाने वाला क्या इसको इलाज करने की वजह से लोगों का ईमान लूटने की वजह से अल्लाह का क्यामत के दिन बुलाएगा ए फैयास ईमान के लुटेरे आ मैं तुझे इख्तियार देता हूं कि जा फला फला को बचा ले इस बदबक को मिलेगा इख्तियार्ला कौन है जो अल्लाह के पास शिफात करने की ताकत और हिम्मत रखता है अल्लाह की इजाजत के बगैर कौन कर सकता है लेकिन यह शख्स कह रहा है क्या मतलब है इस दावे का एक जगह कहता है मेरी इताअत करने वाली औरतें मेरे नजदीक मेरी मां से बेहतर है एक जगह उस शख्स ने यह कहा मैं अल्लाह के हुक्म के तहत चलता हूं एक जगह शख्स कहता है कि दीन का इल्म हासिल करने का तरीक़ा यह है कि पहले दीन के तमाम उलूम को छुटलाओ फिर खुद ब खुद दीन का इल्म हासिल हो जाएगा एक जगह कहता है कि दुआ करना जायज़ नहीं है अम्बिया की दुआएँ कबूल नहीं हुई अम्बिया भी यह ज़िद करने की कोशिश की है लेकिन अल्लाह ने उनकी नहीं सुनी यानी दुआ करने के सिलसिले लोग कहते हैं ना कि बीमार है अल्लाह से हम दुआ करेंगे दुआ करो कहें दुआ हुआ नहीं करना दुआ करना ही नहीं क्यों क्योंकि दुआ तो एक ज़िद्द है नौजबिल्ला अम्बिया करे ये जिद वो काम ना कामयाब नहीं हुए ना नौजबिल्ला कैसी कैसी गुस्ताखियाँ अम्बिया के बारे में कर रहा है तो अवाम का जहन मुतासर हो रहा मुतासर हो रहा एक नया फिर एक नया लॉन्च होने वाला है फिर बल्कि हो चुका है अब लोग धीरे 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 चूंकि सेहत मिल रही बीमारी से नजात मिल रही बीमारी से अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा मिल रही ये ख्याल में उस आदमी के बहकावे में आते जा रहे हैं उसको मानने लग रहे उससे जुड़ते जा रहे उससे अलग होने का नाम नहीं लेते उसके खिलाफ सुनना पसंद नहीं कर रहे और बहुत सारे लोगों का तो हाल ये हो गया तो क्या क्या कहते हैं कि हम तो इलाज ही तो करवाने जाते हैं इलाज से हमको शिफा भी मिल रही है कुरान में तो शिफा है अगर हम फैयाज बिन यासीन के बाद इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है वाक़ता इसी सवाल को आप थोड़ा सा घुमा दीजिए कि आप गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास जा रहे हैं आपको इलाज करा रहे हैं शिफा मिल रही है कोई बहुत बड़ा स्पेशल न्यूरोलॉजिस्ट है आपका इलाज कर रहा आपको बीमारी मिली उसने सेहत की कोशिश की अल्लाह ने शिफा दी अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा रखी उससे फै... आपको फायदा हुआ बहुत सारे अच्छे अच्छे उसकी तारीफें आप कर रहे हैं आप गए आपके बाद कोई और कोई और कोई और इस तरह सैकड़ों को अल्लाह बाग शिफा दे रहा है तो आप यहाँ पूछिए कि उसके पास जाने में कोई नुकसान है तो कोई नुकसान नहीं क्यों इसलिए कि वहां जाने से आपके ईमान पर जर्रा बराबर भी कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि वो आपको इलाज कर रहा वो डॉक्टर एज ए डॉक्टर उसने इलाज किया ट्रीटमेंट किया जो दवा देनी है दे दी फिर आपको वो भेज देगा लेकिन अगर वो वहां बैठकर आपको इलाज करते करते आपके इलाज के बाद या आपके इलाज करने के दौरान या आपके घर जाने के बाद कोई ऐसा आपको नुस्खा दे कोई ऐसा आपको मंत्र दे कोई ऐसा आपको वजीफा दे जिसमें शिरकिया अल्फाज हो शिरिया कलाम हो शिरिया आशार हो शिर पर मबनी बातें हो जिससे तोहहीद के अकीदे पर सर्ब पड़ती हो आप वो सुन रहे आप वो पढ़ रहे यहां पर आपको लमा रोकेंगे क्यों साहब इसलिए कि आपके इलाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं आपके इलाज से इस मंत्र का इस पढ़े जाने वाले काम कलाम का इस जुमले का इस बात का कोई ताल्लुक नहीं आपका इलाज तो दवाओं से हो रहा है इसी तरह मैंने कोशिश की है मिसाल देकर समझाने की कोई और मिसाल से भी आप समझ सकते हैं कुरने मजीद पढ़ा जा रहा कुरान में सरासर शिफा है ऐसा तो नहीं है कि फैयाज बिन यासीन ने कोई और नौजबिल्ल अलग अपनी तरफ से कोई कलाम लिखा हो या कलाम बता रहा हो वही कुरान जो पे नाजिल पिनुल्ल वही कुरान तो जो हम और आप पढ़ते रहते हैं वही कुरान तो बता रहा वो कुरान तो मैं और आप घर में भी पढ़ सकते हैं घर में भी सुन सकते हैं हजारों आवाज़ों में खूबसूरत लहनों में कुरान मजीद मौजूद है रिकॉर्ड करा हुआ वो सुन सकते हैं अब कोई यह कह सकता कि अब कुरने मजीद सुने तो भी आपको एतराज हो रहा क्या कुरने मजीद सुन के शिफा मिल रही ना उसमें क्या प्रॉब्लम है वाक कोई प्रॉब्लम नहीं एक इसमें सबसे बड़ा इश्काल जो है वो यही है कुरान तो आप सुन रहे हैं इसमें कोई खराब बात नहीं बहुत अच्छी बात है हमेशा से सुनना चाहिए था फयास के बोलने से मत सुनिए अपने आप से सुनना चाहिए लेकिन मजीद की बातें करने के साथ साथ ये जो अकीदे ईमान से टकरा रहे नबी ने जिसके बारे में फरमाया था कि क़यामत के करीब फितनों का दौर होगा सुबह का मुसलमान शाम को काफिर होगा शाम का मुसलमान सुबह को काफिर होगा यह मत समझिए जैसे कोई मौज है कोई सेप है कोई फल है वो सड़ने लगता है उस पर धब्बा नजर आता है राशन है कीड़े पड़ते हैं नजर आता है सब्जी है खराब होती है नजर आती है जो चीज भी आप ले ले उसकी खराबी चेहरे से नजर आ जाती है लेकिन ईमान ऐसी चीज है जिसकी खराबी जिसका बिगाड़ जिसकी तबाही इंसान के चेहरे से नजर नहीं आती नजर नहीं आती आपने अपने हाथ में कोई कोई सब्जी ली कोई फल लिया उसको आपने जमीन पे पटका वो टूटेगा आपको नजर आएगा कि टूट गया तड़क गया धब्बा लग गया निशान बैठ गया लेकिन ईमान ऐसी चीज नहीं है वो जाता भी है तो समझ में नहीं आता इसीलिए तो आलम ने मजीद में इस बात को इर्शाद फरमाया था कि अल्लाह से डरते रहो उसके हक के मुताबिक और आखिरी जो जुमला इल्ला तुम मुस्लिम तुम पैदा हुए मुसलमान घर में तुम बड़े हुए मुसलमान घर में तुम जवान हुए मुसलमान घर में तुम कमाए मुसलमान घर में तुम्हारा निकाह मुसलमान घर में हुआ लेकिन तुम्हारी मौत भी मुसलमान घर में होने के साथ साथ हालत इस्लाम में होनी चाहिए बग़ैर मुसलमान के मत यहां यहाँ क्या हो रहा है ये जो कुरान के इलाज के नाम पर गुमराह किया जा रहा कुरान के इलाज के नाम पर यह कहा जा रहा है कि मैं क़यामत में तुमको नहीं बचा सकता मैं पैगंबर को तुमने झुटलाया है अल्लाह को मानना मुझे मानना ये जितनी बातें ऐसे इक्कीस दावे मजलिस खत्म नबूवत, ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा ने एक किताब शाये की है फ़ैयास का फितना ईमान से महरूम करने की एक नई साजिश ये इसकी कित, ये किताब है ये जो किताब मजलिस मदनी ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा हैदराबाद में ये बहुत बड़ा तहफ़ खत्म नबूवत का मरकज़ है इन्होंने ये किताब शाये की है इस किताब में जामिया निज़ामिया का फतवा शाये किया है उस फतवे में इस बदबक के इक्कीस दावे लिखे गए हैं और भी कई दावे मौजूद हैं उन इक्कीस दावों की रोशनी में जामिया निज़ामिया के मुफ्तिया ने किराम ने यह फतवा दिया कि अगर वाकता जो बात कही गई जो अकीदे बताए गए जिसमें से कुछ मैंने आपके सामने पढ़कर भी सुनाए अगर ये ऐसे ही अकीदे हैं, तो ये शख्स दायरे खारिज है तस्दीद के बारे में ये किताब लिखी गई, इस किताब को आम करे इस पढ़ेजी वायरस का एंटी वायरस है इसमें बहुत सारी बातें इस लुटेरे से बचने की लिखी गई तो मेरे अजीज भाई और बहनों यह जो ईमान का लुटेरा है फैयाज बिन यासीन यह कुरान से इलाज के नाम पे गुमराह कर रहा कोई यह ना समझे कि कुरान के इलाज पर पाबंदी लगाई जा रही नहीं कुरान से इलाज करना तो यह साबित है शिफा है कुरने मजीद में लेकिन यह शख्स लोगों को बहनों को भाइयों को भोले भाले मुसलमानों को इस तरह एक गैंग बना रहा छुप छुप कर खुफिया खुफिया न किसी से मिलो न किसी को नजर आओ इस तरह काम कर रहा ये सारी के सारी चीज़ें शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दी फिर अब इस शख्स के इन दावों की रोशनी में उलमा ने फैसला कर लिया ये ईमान का लुटेरा है ये तहफ़ खत्म नब्वत का बागी है इस मौजू को इसीलिए इस इसमें चुना गया ये खत्म नबोत के गोया ये मुनकिर होगा क्योंकि इसके जो दावे हैं वो दावों से बात समझ में आती मौलाना अंसार साहब ने इस किताब में लिखा इसे मुनकिर हदीस भी कहा जा सकता है जब ये खुद अपने बारे में नबी होने के सिलसिले में दावे जाहिर कर रहा तो इसका मतलब यह कि नबी के बाद किसी और नबी के आने का इंतजार है और जो जो किसी और नबी के आने का इंतजार करेगा वो खत्म नबूवत का मुनकर होगा और जो खत्म नबूवत का मुनकिर होगा मुहाफिजीन खत्म नबूवत उसको मारने के लिए उसको भगाने के लिए उसे दफन करने के लिए उसके उसके सारे के सारे बिछाए गए शतरंज की चालों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार यार पहले भी खड़े थे आज भी खड़े हैं और मेरे भाई और बहनों एक आखिरी गुजारिश मैं आपके सामने ये करना चाहूंगा कि ये फैयाज बिन यासीन नामी जो फितना है ये फितना कुरान से इलाज के नाम पर आ रहा है तो उलमा से जब तक नहीं जुड़ेंगे इस फितने से नहीं बच सकते नहीं बच सकते बहुत खतरनाक फितना है इसीलिए इस फितने से बचने के लिए उलमा से अपने आप को जोड़े आपके अपने इलाके में अगर कहीं पर भी किसी भी दर्जे में आपको ये इत्तला मिले आपको यह खबर हो आपको ये अंदेशा हो आपको ये एहसास हो आपके ख्याल में भी ये बात आ जाए आपके कानों ने किसी की जबान से यह जुमला सुन लिया कि फ़ला घर में बीमार है कुरान से इलाज किया जा रहा फला घर में बीमार है कुछ सुन रहे कुछ सुन रहे कुछ सुना रहे कुछ पढ़ रहे उनके घर में कुछ लोग हैं जो कुछ सुनते हैं कुछ सुना हैं कोई औरत कोई मर्द किसी को कुछ सुनने के लिए मेमोरी दिया अगर इस तरह की कोई बात आपने सुनी हो फौरन अपने इलाके के उलमा से अपने इलाके के मुफ्तियान से अपने मस्जिद के इमाम से अपने मस्जिद के खतीब से अपने इलाके के मुतहर्रिक फाल नौजवान में से किसी से भी आप रब करें और बताएं हमारे इलाके में ये एक्टिविटीज चल रही मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन ये ईमान अल्लाह करे हमारा भी महफूज हो हमारी नस्लों का भी महफूज़ हो आज जितने उम्मती नबी के इस रुए ज़मीन पर जी रहे हैं सांस ले रहे हैं उन सारे के सारे उम्मतियों से मेरे और आपके महबूब को बड़ी मोहब्बत है आका को बड़ी चाहत है ये नबी का गुलशन है ये नबी की तेईस साल मेहनतों के बाद लगाया गया सींचा गया बाग है इस बाग के फूलों को इस बाग के फलों को इस बाग की कलियों को इस बात के पत्तों को ना पहले साहबा ने किसी दुश्मन को तोड़ने की इजाजत दी ना हमारे अकाबिर ने कभी इस बात को गवारा किया ना हम कभी इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि हमारे नबी के इस गुलशन से कोई एक खबीज भी एक पत्ता भी तोड़ ले हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे बिन यासिन का ये फितना बहुत ज़्यादा माशरे को तबाही के रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है लिहाजा हम सब की यह ज़िम्मेदारी बनती है जो जो नबी से मोहब्बत करते हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि रबी अव्वल के इस मुबारक महीने में तहफ़ ता, दीन मीडिया सर्विस के इस प्लेटफॉर्म से तहफ़ ख़त्म नबूत के चलने वाले इस ऑनलाइन कन्वेशन के ज़रिए से हम जो बात सुने हम जो बात मालूम करें हमारे कानों को जो बात सुनी आए हमें जो अच्छी लगे जो ईमान की जो नबी की मोहब्बत पर उभारने वाली बात जो नबी के दीन की हिफाजत वाली बात तहफ़ ख़त्म नबूवत वाली बात हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे नबी से मोहब्बत का तकाजा है हम उस बात को आगे लोगों तक पहुँचाएँ फयाज के इस फितने से लोगों को आगाह करें लोगों को चौकन्ना करें लोगों को अलग करें मेरे भाइयों और मेरी अजीज बहनों फयाज बिन यासीन के फितने से मुतक बहुत ही मुख्तर मैंने आपके सामने बात बताई है ईमान के घर में पैदा हो गए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है लेकिन हालत ईमान में मरना यह बहुत बड़ा कमाल है आज आए दिन ऐसा महसूस हो रहा है के खादियानी मिर्ज़ा ग़ुल अहमद ख़ियानी जो आया था, था वो आखिरी नहीं था शकील बिन हनीफ जो है वो आखिरी नहीं है अब फैयाज बिन यासिन के बाद समझ में आना शुरू हो चुका है ये फैयाज भी आखिरी नहीं है शायद ऐसे कितने फैयाज ऐसे कितने शकील ऐसे कितने मिर्ज़ाई दुश्मन इस्लाम की कोक में पल रहे होंगे उनकी कंपनियों में ये प्रोडक्ट बन रहा होगा और पता नहीं किस इलाके के किस महल्ले में किस बस्ती में किस शक्ल में किस सूरत में किस लिबास के अंदर ये दरिंदे और ईमान के लुटेरे छुपे होंगे और पता नहीं किस वक्त किस मौके पर किस साल किस महीने में ये ये इस्लाम दुश्मन ताकतों का एक और नया पैदा करदा पौधा बाहर आएगा फिर वो माशरे को गंदा करके ईमान के लुटेरों में अपना नाम शामिल करके उम्मत मुस्लिमा के ईमान को लूटने की कोशिश करेगा अब नहीं कह सकते और कौन कौन आएंगे पता नहीं लिहाजा हमको चाहिए कि मैं पहले अपने साथ अपनी बीवी अपने बच्चे अपने माँ बाप अपनी फैमिली अपने भाई बहन अपने कुंबे को ईमान के बचाने की फिक्र पर तैयार कर लूँ क्योंकि पूरी जिंदगी ईमान के रास्ते पर गुजारा ईमानदार माँ की कोक में जन्म कोक में पल कर ईमानदार माँ की गोद में दूध पीकर ईमानदार बाप के हाथ से खाकर ईमानदार घराने में जवान होकर ईमानदार घराने की जिंदगी गुजारकर कुफ्र पर मर जाना आप बताइए ये सादत है या बदकिस्मती है इससे बड़ी भला कोई बदकिस्मती होगी ईमानदार घर में पैदा होकर ईमानदार घर में पैदा भरना ईमान वाली मां की कोक में बनकर गोद में दूध पीकर ईमानदार मां का बेटा या बेटी कहलाकर मरना ये सादत की बात है लिहाजा मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों ईमान के लुटने का ये दौर है हिफाजत ईमान पर पूरी तवज्जो पूरा कॉन्सेंट्रेट रखने की ज़रूरत है हमारा सारा का सारा ख्याल और हमारी सारी की सारी फिक्रें हमारी सोच हमारे ख्याल हमारी ताकत हमारी कुत हमारी हिम्मत हमारा हौसला हमारा स्टैमिना सारा का सारा हमारा सारा पावर किसी पर खर्च हो कि किस तरह मैं एक एक कदम फूक फूक कर गुजारो जैसे ईमान वाला पैदा हुआ ईमान के रास्ते में मुझे मौत है ये ईमान के लुटने का दौर है ईमान के लुटेरे पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं अब तो इलाज के नाम पर मुआलजे के नाम पर ट्रीटमेंट के नाम पर भोले भाले मुसलमानों का ईमान लूटा जा रहा आप अगर चाहते हैं कि ये ईमान के लुटेरे से उम्मत मुस्लिमा बच जाए आप अगर चाहते हैं तहफु खत्म नबूत की मेहनत में मेरा भी शुमार हो जाए आप अगर चाहते हैं खत्म नबूत का काम मैं भी कर सकूँ तो आपके लिए अब भी मौका है अब भी मौका है बस एक आपका उंगली से दबाया गया क्लिक का बटन और शेयर पर आप दबा कर इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं इस पैगाम को आप आगे बढ़ा सकते हैं इस मैसेज को आप आगे बढ़ा सकते हैं और अपने इलाके अपनी बस्ती में हर एतार से इस बात की फिक्र करें आप चाहे कहीं पर भी हो अपने काम पर अपनी नौकरी पर अपनी मुलाजिमत पर अपने जॉब पर अपनी पढ़ाई पर अपने घर में होम में घर में रहने वाली हो कोई भी बहन हो भाई हो जो कोई हो हर जगह हर लम्हा हर आन खत्म नबूत की मेहनत आप और हम कर सकते हैं लिहाजा जिस तरह अलमा अनवरसा कश्मीरी अलर रहमाण और भी बहुत सारे अकाबरीन ने ख़म नबूत की मेहनत के बारे में फ़रमाया है अगर वो मेरा मौजू होता तो मैं ज़रूर आपको बताता ख़तम नबूत की मेहनत कितना बड़ा एजाज़ है लेकिन एक जुमला मैं हजरत का कहना चाहता हूँ फरमाया था कि अगर हमने ख़म नबूत की महनत का काम नहीं किया क्या मतलब खतम नबूत की महनत के काम का कि अगर हमने नबी की उम्म को ईमान के रास्ते से हटता हुआ देखकर नजरअंदाज कर दिया इतने पर खड़ी हुई उम्मत को देखकर हम नजरअंदाज कर दिए अगर ईमान के लुटेरों को देख कर हम खामोश बैठ गए और नबी के ताजे नबूवत पर हमले किए गए और खत्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिशें की जाती रही और हम अपने काम में अपने खाने में अपने पीने में अपनी जिंदगी में मगन रहे हजरत फरमाते थे तो हम, अगर हमने खत्म नबूत की मेहनत का काम नहीं किया तो हमारे गली का कुत्ता हमसे बेहतर है लिहाजा मेरे भाइयों और मेरी बहनों ये बहुत अजीम काम है ये बहुत मुबारक काम है आका की नस्बत वाला काम है आका से ताल्लक़ वाला काम है आका की शिफात वाला काम है अकाबरीन में से किसी ने यह भी कहा था कि दीन के जितने काम हैं दीन की जितनी खिदमत है दीन की जितनी लाइने हैं दीन के है, जितने शोबे हैं दिन की खिदमत के जितने रास्ते हैं उन तमाम रास्तों में उन तमाम शोबों में उन तमाम कोशिशों में सबसे ज़्यादा नबी की फात दिलाने वाला अगर कोई रास्ता है तो वह खत्म नबूत के तहफ के काम का रास्ता है लिहाजा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तहफ़ दिन मीडिया के जिम्मेदारों को ज़ाय ख़ैर दे उन्होंने तहफ़ ख़त्म नबूत का ऑनलाइन कन्वेसन चढ़ा कर यह साबित कर दिया है कि आज भी खत्म नबूत के पहरेदार मौजूद है आज भी तहफ़ ख़म नबूत के लुटेरों को रौंदने के लिए नबी के जियाले नबी के आशक़ी ज़िंदा है उनके दिलों में इश्क रसूर ज़िंदा है ये साबित कर दिया है अल्लाह इनकी सारी टीम को कबूल करे और तमाम जिन्होंने वक्त दिया है अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए अल्लाह सुनने वालों को कबूल फरमाए अल्लाह पूरी उम्मत को तो कबूल फरमाए अल्लाह हम तमाम को अपने अपनी शान के मुताबिक अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए हमें आका के शिफात का हकदार बनाए हमें इस जिंदगी में आका की खत्म नबूवत की हिफाजत का काम करने वाला बनाए हमें आका का खसूसी त्लु अदा फरमाए हमारे दिल में अल्लाह पाक वो दर्द दे वो कड़न दे वो फिकर दे वो जज्बा दे वो बेचैनी दे वो बेकरारी दे कि उम्मत के ईमान के लुटते हुए देख कर हमारी आंखें रो पड़े हमारा दिल ताप जाए हमारे वजूद में लर्जा तारी हो जाए हम खड़े हो जाए सिद्दीक अकबर की तरह कुसुद्दीन व आना हई का अपनी ज़बान पर नगमा लेकर हम खड़े हो जाए और यासिर की तरह हम खड़े हो जाए अबू बकर और 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 अली की तरह रिजवान तजमाइर हम, हम खड़े हो जाए अत शाह बुखारी की तरह हम खड़े हो जाएं यूसुफ लुधियानवी की तरह हम खड़े हो जाएं यूसुफ़ बन्नूरी की तरह हम खड़े हो जाएं जितने हमारे अकाबिर गुजरे हैं कितनों के नाम हम सुनाएंगे अल्लाह तबारक ताल से दुआ है अल्लाह हम तमाम को तहफ़ ख़त्म नबूत की मेहनत करने की तोफ़ी अतः फ़रमाएँ हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमें यह काम करते करते बूढ़ा होने की और ये काम करते करते, करते ख़बर में चाहने की तोफ़ी अत फ़रमाए अल्ला पाक हम तमाम

दुनिया को आज फिर है जरूरत हुसैन की वो डॉक्टरों को सोचना चाहिए उलमा और अम्मा के साथ कम से कम इतनी तो रियायत रखो कि आधी फीस लो और बुकला को कहना चाहता हूँ किसी वजह से मुसीबत में कोई आलिम दीन इमाम अगर आपके पास आ जाता है आप क्या आधी फीस नहीं कर सकते अगर न आप नबी के चाहने वाले हैं अगर आप नबी के आशिक हैं आप गुलामा ने मोहम्मद का दावा करते हैं तो खुदा पाक की कसम आपको जिंदगी में कभी भी इमाम की मुखालफत नहीं करना चाहिए तो ये चार चीजें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाई है कि आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या आलिम की बात सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो फला तकुन खामिसन पांचवे न बनो फतुहलिक तो तुम हलाक हो जाओगे सबसे बड़ी कुर्बानी इन हालात के अंदर कोई अगर है तो आप अपने रब को रादी करने की कोशिश कीजिए इन हालात में रुजू रजूल की कैफियत अल्लाह की तरफ रुजू होना अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करना और अल्लाह की मदद हासिल करना यह उम्मत को अल्लाह अल्ला ने वालदेन की नाफरमानी करने वाले को शब कदर में भी माफ नहीं करने का फरमाया है